हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज एडी रमन। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे बीमारी के बारे में जो बीमारी हर एक घर घर में है। तो आप समझ गए होंगे कि हर एक घर घर में कौन कौन से बीमारी है। अभी के टाइम में 100% में 19% ऐसा इंसान है जो गैस के शिकार है, जिनको गैस की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। और 100% में 90% घर में गैस की प्रॉब्लम है। 95% ऐसे आदमी हैं जो कि गैस का टैबलेट्स, मेडिसिन, इंजेक्शन लेते हैं। तो आज हम आपके सामने ऐसे कुछ खास इंजेक्शन लेके आए हैं जो गैस से आपको राहत मिल सकता है। तो अभी के जनरेशन में, जो अभी की बात किया जाए, प्रेजेंट में, अभी के टाइम में जो है कि गैस की बीमारी इतनी फैल गई है। देखो, हालांकि ऐसे की तो गैस की तो पूरी कम्प्लीटली दवाई या ऐसा कोई मेडिसिन बनी नहीं है जो कि उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दे, लेकिन फिर भी जो है कि कुछ राहत आपको मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत हद तक आप राहत ले सकते हैं। तो आज हम आपके सामने गैस की कुछ ऐसी दवाई और ऐसा इंजेक्शन लेके आए हैं जो आप गैस जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकेंगे। तो चलिए हम दवाई को आपके सामने पेश करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आपको दवाई दिखाने से पहले, मेरा एक ही रिक्वेस्ट होता है आप सबसे कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए। तो दोस्तों, देख सकते हैं भाई, अभी हमारे पास है Pentop DSR। ये Pentop DSR ये टैबलेट है, ये कैप्सूल है। ठीक है, ये कैप्सूल में आती है Pentop DSR, जो कि खाली पेट आप ले सकते हैं सुबह सुबह। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास है एसीलॉग 300। ये एसीलॉग 300 ये आपको मार्केट में अवेलेबल हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये एसीलॉग 300 है, ये जो है कि कहीं भी आपको मिल जाएगी। ये दोनों टैबलेट्स आपको मैंने दिखाया। ठीक है, अब चलिए मैं बात करता हूँ इंजेक्शन की। तो ये हुआ हमारा इंजेक्शन, ये ब्लू क्रॉस कंपनी का पेंटोप्राजोल है। ये आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ये 40 mg में आती है। ठीक है, और ये इसका भी कंपोजिशन है पेंटोप्राजोल। ठीक है, ये इंजेक्शन IP है। और आपको मैं बताऊंगा सबका यूजेस, कैसे लेना है, किस टाइम लेना है। और उसके बाद ये एसीलॉग टैबलेट मैंने दिखाया, और ये एसीलॉग का इंजेक्शन है। ये भी आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। ठीक है, ये एसीलॉग इंजेक्शन है। ठीक है, ये भी, ये जो है कि 2 ml में आती है। इसका 2 ml का एम्पुल होता है। ये जो है कि हर एक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। तो अभी मैं बताऊंगा इन सारे मेडिसिन और इन सारे दवाई और इंजेक्शन का, टैबलेट्स का यूज़ कैसे करें और कब करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट की। तो अभी हमारे पास है एसीलॉग 300। ये 150 mg में भी आती है, 300 में भी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टैबलेट की। ये जो टैबलेट है, ये टैबलेट जो है कि वही लोग ले सकते हैं जिनका एज 16 से प्लस हो। ठीक है, वो लोग ये टैबलेट्स को ले सकते हैं। ये 300 है, ये जिसका एज 16 से प्लस हो वो लोग ये टैबलेट आराम से ले सकते हैं। तो चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, महिला हो या जेंट्स हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर किसी को नॉर्मल गैस हो रहा है, हल्का फल्का पेट में दर्द हो रहा है, हल्का जैसे सीने में दर्द हो रहा है तो वो गैस की वजह से भी होता है। बैक साइड दर्द हो रहा है तो वो भी गैस की वजह से होता है। अगर आपको पेट के चारों लेयर में कहीं भी अगल बगल साइड में दर्द हो रहा है तो वो भी गैस की ही वजह से होता है। अगर आपको एब्डोमेन के लोअर साइड में या अपर साइड में या राइट साइड में या लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, हल्का हल्का चुभन टाइप का, तो वो भी गैस की वजह से होता है। तो नॉर्मल अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप ये दवाई आराम से ले सकते हैं, इससे आपको राहत मिल जाएगी। ठीक है, ये एसीलॉग 300 है। ठीक है, और ये 150 mg में भी आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं Pentop DSR की। ये Pentop DSR ये टैबलेट, इसमें जो है डोमपेडिलोम एंड Pentoprazole कंपोजिशन मिला हुआ है। ये कैप्सूल जो है वो लोग ले सकते हैं जिसको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है। जिसको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम मतलब कि मान के चलिए कि उसको तकरीबन 20 दिन से या महीने से दर्द हो रहा है, वो जो है कि गैस से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा उनको गैस बनती है, गैस के कारण उनका जो है कि स्टूल क्लियर पास नहीं हो पाता है, स्टूल पास क्लियर नहीं हो पाता है, कब्ज बनता है, तो आप वो जो है कि वैसे पर्सन जो है ये
कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे, और ये कैप्सूल का इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये है DSR, DSR मतलब होता है खाली पेट। ये आप खाली पेट ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा। आपको मैंने बताया सबसे पहले ही कि हर एक घर में 90% में 95% 100% में 95% घर में गैस की बीमारी चल रही है। तो ये जो है कि खाली पेट आप ले सकते हैं। अगर आप रात में लेते हैं तो खाना खाने से 2 घंटा पहले, रात में अगर आप लेते हैं तो खाना खाने से 2 घंटा पहले आप ये कैप्सूल खा लें, उसके बाद ही आप खाना ग्रहण करें, ठीक है। तो ये इसके बारे में आप समझ गए होंगे, पेंटोप्राजोल जिसको कहते हैं, पेंटो DSR, ये खाली पेट में चलती है, ठीक है। और आप एसी लॉक इसके बारे में भी समझ गए होंगे, ये नॉर्मल अगर गैस बन रही है तो आप ले सकते हैं, अगर जिसको ज़्यादा गैस बन रही है तो वो ये ले सकते हैं, खाली पेट खाएंगे, ठीक है। ये सुबह जैसे मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग में ब्रश वगैरह कर लिए, उसके बाद खाली पेट में ही इसको खाना खाने से पहले या कोई ब्रेकफास्ट करने से पहले आप ये कैप्सूल को खा लेंगे, उसके बाद ही आप खाना को खा सकते हैं या ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंजेक्शन के बारे में। ये है हमारे पास इंजेक्शन जो है ब्लू क्रॉस कंपनी का, ठीक है। एक अरिस्टो का भी आता है, एल्कम का भी आता है, लेकिन हमारे पास है ब्लू क्रॉस कंपनी का। ये जो है इसमें पेंटोप्राजोल इंजेक्शन फॉर IP ये है। ये इंजेक्शन जो है कि आप तभी ले सकते हैं जब आप गैस से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा परेशान है कि आप जो है कि दर्द से छटपटा रहे हैं, एकदम गिरगिट की तरह छटपटा रहे हैं, तो आप ये इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। ये इंजेक्शन जो है आप याद रखें हमेशा नस में लेना है, इंट्रा वेनस मतलब आपको हमेशा नस में ही लेनी पड़ेगी ये इंजेक्शन, ठीक है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, अगर क्रिटिकल कंडीशन में कौन सा टैबलेट्स ले सकते हैं, कौन सा कैप्सूल ले सकते हैं, कौन सा इंजेक्शन ले सकते हैं। तो आज हम प्रॉपर उन्हीं के लिए वीडियो बनाए हैं जो गैस से परेशान है, गैस जैसे बीमारी से परेशान है। अभी गैस का बीमारी इतना चला हुआ है, देखिए गैस जो है जड़ से ख़त्म होने वाला इसका आज तक कोई मेडिसिन या कोई भी आयुर्वेदिक दवाई नहीं बना हुआ है, ठीक है। आप जब तक दवाई लेंगे, जब तक मेडिसिन खाएंगे, तब तक आप राहत मिलेगा, और अगर आप छोड़ देंगे तो फिर आपको जो है कि गैस बनना फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि गैस का दवाई कम से कम खाने की, ठीक है। अगर आप घरेलू उपचार करते हैं, जैसे कि मान के चलिए अगर आप सुबह सुबह उठ के बाथरूम जाने से पहले, मतलब लेटिंग जाने से पहले अगर एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, उसके बाद आप जाते हैं वॉशरूम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गैस जैसे बीमारी से आप छुटकारा पा सकेंगे। अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो भी आपको गैस से छुटकारा पा सकेंगे। तो ऐसे भी कुछ खास नियम है जो आप खुद से करके भी गैस जैसे बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। नहीं तो मेडिसिन है ही, मेडिसिन खाएंगे तो मेडिसिन आपको पता ही हो दोस्तों कि मेडिसिन जितना आप खाएंगे वो किडनी, लीवर और हार्ट पे असर करता है। तो मेडिसिन तभी लिया जाता है जब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो अभी जो है कि इंसान इतना लेजीपन हो गया है कि वो सुबह सुबह उठना पसंद करते नहीं है, सुबह सुबह उसको गर्म पानी पिया नहीं जाएगा। तो गर्म पानी पीने से होता क्या है कि आपका जो पेट है वो क्लियर हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। तो जब पेट साफ रहेगा तो गैस बनने का सवाल ही नहीं है, तो ऐसा लोग करते ही नहीं है। तो इसलिए मेडिसिन खाते रहिए। तो मेडिसिन अगर आपके लिए अच्छा है तो वो ख़राब भी है, ये भी समझ लीजिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि गैस का दवाई खाने से क्या फ़ायदा होता है, क्या घाटा होता है। तो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।